गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक होंगे। लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर टू। चैप्टर टू ह्यूमन बॉडी द टिप। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में टिप के बारे में पढ़ा, कौन कौन से टाइप के टीथ हैं, ऑल फोर टाइप्स ऑफ टीथ, पार्ट ऑफ टूथ पढ़ा, कौन कौन से पार्ट है टूथ के। नाउ केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। अब हम यहाँ क्या सीखेंगे कि हमें अपने टीथ और गम्स की कैसे केयर करनी है। देयर आर इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज पर्सनल केयर ऑफ टीथ, हमारे टीथ की हमें पर्सनली कैसे केयर करनी है। सेकेंड इज रेगुलर डेंटल चेकअप, हमें रेगुलरली डेंटल चेकअप मीन्स दांतों की चेकअप करवानी चाहिए। थर्ड पार्ट इज डाइट फॉर हेल्थी टीथ एंड गम्स, हमें जो हेल्दी गम्स और टीथ के लिए जो डाइट फॉलो करनी है वो क्या है। फर्स्ट केयर ऑफ टीथ एंड गम्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ, हमें हमारे टीथ की क्या करनी है, प्रॉपरली केयर करनी है। इफ वी डू नॉट क्लीन देम प्रॉपरली फूड पार्टिकल्स मे गेट स्टक बिटवीन द टीथ लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन देम। अगर हमने अपने टीथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो उसमें क्या हो जाएंगे, जर्म्स इकट्ठे हो जाएंगे और जो भी स्टिकी फूड हम खाएंगे वो क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, दांतों के बीच में फंस जाएगा। दीज जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लाक, और ये जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिकी लेयर येलोइश कलर का प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, प्लाक। दे रिलीज एसिड दैट डिस्ट्रॉय द इनेमल ऑफ द टूथ, और वो क्या कर देते हैं, प्लाक जो एसिड रिलीज करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो इनेमल, इनेमल कौन सा होता है, टीथ का आउटर मोस्ट लेयर, सबसे अपर मोस्ट लेयर, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर उसमें क्या हो जाते हैं, वो सारे जर्म्स टीथ के अंदर घुस जाते हैं। दिस रिजल्ट इन टूथ डीके एंड कैविटी, उससे क्या होता है, टूथ डीके मतलब दांत खराब हो जाते हैं और हमारे दांतों में क्या हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कैविटीज हो जाती है। नेक्स्ट इज पर्सनल केयर ऑफ टीथ, अब हम यहाँ सीखेंगे कि हमें पर्सनली हम अपने टीथ की कैसे केयर कर सकते हैं। इफ यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ दे विल रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फॉर एवर, अगर आप अपने टीथ को पर्सनली अच्छे से ध्यान रखोगे तो क्या रहेंगे, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हमेशा के लिए। सो यू शुड डेवलप हेल्दी डेंटल केयर हैबिट्स, तो आपको क्या करना होगा, अपने खुद में हेल्दी डेंटल केयर हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें हमारे दांतों की अच्छे से केयर करनी चाहिए और उसको क्या करना है, उस हैबिट्स को डेवलप करना है रेगुलरली। देयर आर सेवरल वेज यू कैन टेक केयर ऑफ टीथ, आपके टीथ को केयर करने के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप अपने टीथ को क्या कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो। फर्स्ट वन इज यू शुड ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, आपको क्या करना है, अपने टीथ को एटलीस्ट टू टाइम्स, ट्वाइस अ डे मीन्स ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, आपको अच्छे से दांतों की सफाई करनी है ब्रश करके, कितनी बार दिन में, टू टाइम्स। फर्स्ट वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट एंड सेकेंड वंस आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ योर बेड इन मॉर्निंग, एक तो कब करनी है कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हो बिस्तर में, उससे पहले आपको अपने टीथ को क्या करना है, ब्रश करना है, और सेकंड क्या करना है, जैसे ही मॉर्निंग में उठते हो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रश करना है। नेक्स्ट यू शुड रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील, आपको क्या करना है, जितनी बार आप खाना खाते हो या कुछ और खाते हो उसके बाद में क्या करना है, अच्छे से रिंस करना है, रिंस मींस कुल्ला करना है, अच्छे से उसको साफ करना है माउथ को। यू मस्ट फ्लॉस योर टीथ अंडर एडल्ट ऑब्जर्वेशन टू क्लीन द स्पेस बिटवीन द टीथ, फ्लॉस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थिन थ्रेड, इट इजिली
pass through the teeth and cleans the area between the teeth. अब आपको क्या करना है, अपने एडल्ट के ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, सुपरविजन में अपने टीथ में फ्लॉस करना है. फ्लॉस क्या होता है, एक पतला सा थिन थ्रेड होता है, बट वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. उससे क्या करना है, आपको जो टीथ के बीच में गैप होता है उसमें से आपको ये धागा डाल के सब टीथ को क्लीन करना होता है. जो टीथ के बीच में स्पेस है उसमें जो भी खाना अटका होगा वो क्या होगा, फ्लॉस के थ्रू बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज मसाज योर गम्स रेगुलरली. और क्या करना है, हमारे गम्स को हमें अच्छे से मसाज करना है रेगुलरली. यूज अ टंग क्लीनर टू क्लीन योर टंग. और सबसे लास्ट में क्या करना है, हमें अपनी टीथ के साथ साथ पूरे माउथ को क्लीन रखना है. माउथ में हमारे टंग भी तो है, उस टंग को क्लीन करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम टंग क्लीनर यूज करेंगे. नेक्स्ट इज रेगुलर डेंटल चेकअप. अब हमारे को पता है कि हमारे टीथ थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, हम उसकी देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, तो अब उसको वो टीथ स्ट्रॉन्ग है या उसमें कोई कीड़े लग गए या कोई डीके हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो दिखाई नहीं देता पूरा. तो हम क्या करेंगे, डेंटल चेकअप के लिए जाएंगे, हमारे टीथ को चेकअप करवाने जाते हैं. टू प्रिवेंट डैमेज टू योर टीथ यू शुड ऑल्सो विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली. आपको अपने टीथ को प्रिवेंट करना है, बचाना है टीथ डीके से, दांतों को नुकसान होने से, उसमें कीड़े लगने से, कैविटी से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना पड़ेगा. डेंटिस्ट कौन है, डेंटिस्ट वो डॉक्टर है जो हमारे दांतों को चेकअप करता है और उसकी देखभाल कैसे करनी है वो हमें समझाता है, और टीथ के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट. The dentist carries out a proper dental checkup. They can detect the damage to your teeth and give you a proper treatment. अब dentist के पास जाओगे, वो checkup क्या करेगा, अच्छे से करेगा, और क्या करेगा, वो detect कर लेगा, वो जान लेगा कि आपके दांतों में क्या खराबी हो रही है, फिर वो क्या करेगा, आपको treatment देगा कि उस damage को कैसे आपको properly fulfill करना है, और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट फॉलो करना होगा वो आप अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेंटिस्ट आप उसको फॉलो कर सकते हैं. दिस विल कीप योर टीथ हेल्दी. इससे क्या होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपके दांत फिर से ठीक हो जाएंगे और आपके दांत क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे. नेक्स्ट इज डाइट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स. अब हमें क्या डाइट लेनी है हेल्दी टीथ एंड गम्स के लिए. First, the teeth, the healthy health of your teeth and gums also depend on your food. अब जो हम food खा रहे हैं उसी के ऊपर हमारे health depend करती है teeth की और gums की. You should eat a balanced diet to keep your teeth and gums healthy and strong. हमें क्या करना चाहिए, balanced diet खानी चाहिए ताकि हमारे teeth और gums क्या हो जाए, healthy and strong हो जाए. You should avoid eating too much of sugar, sweets and fizzy drink. हमें क्या करना चाहिए, avoid करना चाहिए, मतलब avoid means परहेज. हमें ज्यादा sweet नहीं खाना चाहिए, ज्यादा sugar नहीं खाना चाहिए और fizzy drink नहीं पीना चाहिए. जो cold drinks वगैरह होते हैं उनको ज्यादा drink नहीं करना चाहिए, उससे क्या हो जाएंगे, हमारे दांत खराब हो जाएंगे. You should eat a diet that is rich in calcium. Such as milk and milk products, so that it help makes your teeth and gums strong. अब हमें क्या करना चाहिए, डाइट में हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, ऐसा फूड होना चाहिए जिसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है. कैल्शियम किस में होता है, मिल्क में होता है और मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, जिससे हमारे क्या हो जाए, डाइट अच्छी होगी और उससे हमारा टीथ भी क्या होंगे और गम्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे और टीथ भी स्ट्रांग हो जाएंगे. नेक्स्ट, विटामिन डी आल्सो हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. अब विटामिन डी किस में हेल्प करता है, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन डी हेल्प करता है. इट इज प्रेजेंट इन मिल्क एग एंड सम फिशेस. और विटामिन डी किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में होता है, एग में होता है और सम
फिशेस में होता है. सनलाइट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विटामिन डी फॉर्मेशन. अब हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन भी हो सकता है. वो कौन हेल्प करता है? सनलाइट. सनलाइट से क्या होता है? विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है. तो बच्चों हमने क्या सीखा आज कि केयर ऑफ टीथ एंड गम्स, हमें हमारे टीथ की केयर कैसे करनी है और गम्स की केयर कैसे करनी है. देयर आर थ्री वेज. फर्स्ट वन, केयर ऑफ टीथ, हमें हमारे टीथ से दांतों की देखभाल करनी है. सेकेंड, रेगुलर डेंटल चेकअप, हमें डेंटिस्ट के पास जाना है रेगुलरली और टीथ को चेकअप करवाना है ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कुछ खराब हुए हैं, कुछ कैविटी लगी है, कुछ डैमेज हुआ है ताकि हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके. थर्ड वन इज डाइट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स. हमें हमारे टीथ और गम्स को अगर हेल्दी रखना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा? हेल्दी फूड खाना पड़ेगा. ठीक है, आपको ये सब समझ में आया होगा. आपको इसको अच्छे से रीड करना है और यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. ओके, गुड बाय.